हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राज। आज का वीडियो लेकर आया हूँ आफ्टर 12th कॉमर्स कोर्सेज के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, 12 के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 12 के बाद कौन से कोर्सेज है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 12 के बाद कौन से कोर्सेज है। फ्रेंड्स 12 के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, यानी बीकॉम। बीकॉम का टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर्स ओनली। फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि बीकॉम के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बीकॉम के बाद लेक्चरर, बैंकर, एचआरएम, अकाउंटेंट और मार्केट रिसर्च की फील्ड में आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 12 के बाद बीकॉम कर सकते हैं। फ्रेंड्स 12 के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी बीबीए। बीबीए का टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर्स ओनली। फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि बीबीए के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बीबीए के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, एचआर और इंटरनेशनल बिजनेस की फील्ड में आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 12 के बाद बीबीए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 12 के बाद आप बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कर सकते हैं, यानी एलएलबी। एलएलबी का टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर्स ओनली। फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि एलएलबी के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एलएलबी के बाद क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉरपोरेट लॉ, बिजनेस लॉ और टैक्सेशन की फील्ड में आप जा सकते हैं। आप चाहे तो 12 के बाद एलएलबी कर सकते हैं। फ्रेंड 12 के बाद बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हैं, यानी BMS। फ्रेंड्स, BMS का टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर्स ओनली। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि BMS के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, BMS के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सेल एंड मार्केटिंग और मीडिया एंड रिपोर्टर की फील्ड में आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 12 के बाद BMS कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 12 के बाद आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होटल मैनेजमेंट 3 ईयर्स ड्यूरेशन है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि होटल मैनेजमेंट के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होटल मैनेजमेंट के बाद होटल मैनेजर, शेफ डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग और टूरिज्म की फील्ड में आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 12 के बाद होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स 12 के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट 3 ईयर्स ड्यूरेशन है। फ्रेंड्स
बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि इवेंट मैनेजमेंट के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इवेंट मैनेजमेंट के बाद एचआर डिपार्टमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, फूड सर्विस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और टूरिज्म की फील्ड में आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 12 के बाद इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 12 के बाद कौन से कोर्सेज करें उसके बारे में मैंने आपको ये वीडियो में 6 कोर्सेज के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये 6 कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली और भी कोर्सेज रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके।